नमस्कार, स्वागत है आपका डेली डायरी न्यूज में। लगातार चार टेस्ट मैच गंवाने के बाद भारतीय टीम ने एक बार फिर अपनी प्लेइंग 11 में बदलाव किया है और इस बार टीम में बल्लेबाजों को अहमियत दी गई है। जी हां, आपको बता दें कि हार्दिक पांड्या और अश्विन की जगह पर बदलाव किए गए हैं। हनुमा विहारी और जडेजा को टीम में मौका मिला है। हार्दिक पांड्या को टीम से बाहर रखा गया है और अश्विन को भी आराम दिया गया है और साथ ही हनुमा विहारी इस टेस्ट मैच से टीम इंडिया में डेब्यू कर रहे हैं। आखिरी टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने अपनी गलतियों को सुधारते हुए बल्लेबाजों को मौका दिया है और टीम को जिताने के लिए एक नई प्लेइंग 11 खड़ी की है और इस नई प्लेइंग 11 के साथ उम्मीद की जा सकती है कि टीम इंडिया ये पांचवा टेस्ट जीत पाए, क्योंकि टीम इंडिया में बल्लेबाजों की कमी लगातार महसूस हो रही थी, जिसकी कमी को पूरा करने के लिए हनुमा विहारी और जडेजा को टीम में लाया गया है। तो अगर आपको भी लगता है कि हनुमा विहारी और जडेजा इस टीम के लिए वरदान साबित होंगे और आखिरी मैच जिताकर टीम इंडिया की नाक बचाने में कामयाब होंगे तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।